आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है क्लास टेंथ के, क्वेश्चन है मेरा बिंदु ए 3-4 और बिंदु बी 1-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, और इसको जो बिंदु इसको दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो इसके बीच में जो मध्य बिंदु होगा उसका हमें नियामक हमें निकालना है। ये बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 3-4। बी बिंदु के नियामक दिया हुआ है 1-2। दोनों बिंदु के नियामक हमें जो मिलाता है रेखाखंड, उसके बीच में कोई ना कोई बिंदु होगा उसका हमें नियामक हमें पूछ रहा है। चलिए फ्रेंड्स हम निकालते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु के हम सूत्र लगाएंगे। ये मेरा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मध्य बिंदु के नियामक बराबर हो जाएगा x1+x2/2, y1+y2/2। ये हो गया। और लेकिन x1 कितना है, 3 है, प्लस x2 कितना है, 1 है और 2 से भाग, कॉमा y1 कितना है, -4 है, यहाँ पर लिखेंगे -4, प्लस y2 कितना है, 2 है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे 3×4, 4/2, 4 में से 2 हम घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि नेगेटिव संख्या बड़ा है। ऐसे करेंगे, इसको काटेंगे, 2×2=4 और 2×2 ये हो गया, तो हो जाएगा 2-1। तो मध्य बिंदु के इसका नियामक क्या हो जाएगा, 2-1। ये फ्रेंड्स आंसर निकल कर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।